अबे भाई तू सारे सब्जेक्ट में पास हो गया, मजा आ गया तेरे रिजल्ट देख के। भाई तूने दिल खुश कर दिया यार ये न्यूज़ बता के। अभी पापा को बताऊंगा और अपने सारे कजन्स को चिढ़ाऊंगा। तो भाई पास हो गया, पार्टी वगैरह देगा नहीं? कहीं कुछ खिलाया वाला कि नहीं? अबे तू क्यों टेंशन ले रहा है, फुल पार्टी चलेगी। तू बस चल मेरे साथ, तू भी याद रखेगा। कहाँ चले? अरे भाई पार्टी करने, पैसा बहुत है तेरे भाई के पास, तू बस चल मेरे साथ आजा। ये तेरी पार्टी? और क्या भाई, इससे अच्छी पार्टी भी कुछ होती है क्या? मजा आ जाएगा तेरे को। भाई तुझे जितना खाना है ना अभी खा ले, फिर बाद में मत बोलियो कि मैंने पार्टी नहीं दी। अरे भाई आज तो भाई का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे भाई को। अरे थैंक यू भाई। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू मेरे भाई। हैप्पी बर्थडे। अरे थैंक यू भाई। अरे भाई पार्टी का क्या सीन है? भाई पार्टी का सीन फुल ऑन है, तुम चलो आओ मेरे साथ। जाओ जाओ, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें कैसी पार्टी मिलने वाली है। ऐसी पार्टी मिलेगी ना कि तुम्हें रोना आ जाएगा। अरे भाई यहाँ कौन सी पार्टी है? अरे भाई यही तो पार्टी है भैया, मेरे वाले पार्टी स्पेशल मोमोज रेडी करना मेरे सारे दोस्तों के लिए। बस भैया दो मिनट में रेडी करता हूँ। हाँ और ले लो पार्टी। अरे यार तुम छोड़ो ना ये सब, भैया रेडी करो ना भाई, मोमोज खा के मजा आ जाएगा तुम्हें। भैया दो ना भाई, पार्टी स्पेशल मोमोज है। अरे खाओ खाओ। अरे खा लो भाई। अरे बेटा आज तो फाइनली तेरी जॉब लगी गई, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे तुम तो सही कह रही हो, इस बात पर तो पार्टी बनती है, क्यों बेटा? हाँ हाँ पापा, चलो आज आप लोगों को मैं पार्टी देता हूँ, चलो आओ 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 जल्दी आओ जल्दी। अरे जल्दी आओ ना भैया, एक प्लेट मोमोज लगाओ फटाफट, ये लो खाओ। अरे बहुत मस्त मोमोज बनाता है ये। खाओ खाओ। हेलो बेबी, हमें कितना टाइम हो गया है ना साथ में कहीं बाहर गए, चलो ना कहीं अच्छी सी जगह पे डेट पे चलते हैं। हाँ बेबी बात तो तुम सही कह रही हो। अच्छा एक काम करो, सुबह रेडी रहना तुम, मॉर्निंग में तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लूँगा और फिर डेट पे चलते हैं किसी अच्छी जगह पे, ठीक है? ओके ओके बाय। फाइनली बेबी आज हम इतने दिनों के बाद डेट पे जा रहे हैं। हाँ बेबी इसलिए तो तुम्हें बहुत अच्छी जगह लेके चल रहा हूँ। भैया मोमोज लगा दो। बेबी तुम भी लो ना। तो ये है तुम्हारी अच्छी सी डेट? कैसे हो गया भाई? भाई ज्यादा मोमोज खाने की वजह से हो गया भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है।
लेकिन एक चीज से छुटकारा मिल गया, अब मोमोज खाने नहीं पड़ेंगे। और तो और जब इसको पार्टी के लिए बोलूँ ना, बस मोमोज ही खिलाने ले जाता था और कुछ नहीं। लेकिन आज तो भाई हलवा पूड़ी खाने को मिलेगा। और तो और एक घुट पानी तक नहीं मांग पाया हमारा भाई, ऐसे ही अचानक चला गया और अपनी आखिरी इच्छा तक नहीं बताई हमें। नहीं बेटा, उसने आखिरी इच्छा बताई थी मुझे, ये लो मोमोज खाओ। अरे ये महान व्यक्ति जाते जाते भी ना मोमोज का पीछा नहीं छोड़ेगा, चलो खाओ। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो भाई? मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी करके जाओ, पेट भर के मोमोज खाओ। भागो भाई भागो, भागो। अरे मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी करके जाओ यार, एक प्लेट मोमोज खा लो चटनी और मेयोनीज के साथ। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। अरे रुक जाओ। भैया 6 पैक कर दो। कौन से वाले भैया, पनीर वेज या नॉन वेज? अरे भैया मोमोज पैक नहीं करने। मोमोज पैक नहीं करने तो फिर क्या लेने आए हो? मोमोज की शॉप पे तो मोमोज ही मिलेगा ना। भैया मोमोज की शॉप पे कैसी चीज भी मिलती है जो मोमोज से भी ज्यादा टेस्टी होती है, गैस करो वो क्या है। अरे भैया मुझे नहीं पता, आप ही बताओ। अच्छा भैया चलो हिंट देता हूँ, वो दिल को चुरा लेने वाली, मन को भा जाने वाली और इंसान को ललचा देने वाली चीज है, बताओ। अरे भैया मुझे नहीं पता, आप ही बोलो। अरे भैया मोमोज की चटनी यार, देखो सुनते ही मुंह में पानी आ गया, है ना टेस्टी। चलो फटाफट पैक कर दो। ₹150 हो गए। ₹150 इस चटनी के? अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, पैसे लगते हैं मोमोज के और मोमोज मैंने लिए नहीं। अरे भैया सुनो तो। अरे भैया चटनी होती है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अरे भैया, अरे सुन दो लो। ओ भाई मेरा तो हफ्ते भर का जुगाड़ हो गया। मम्मी रोटी देके जाना। अरे बेटा साथ में सब्जी कौन सी दूं? अरे मम्मी मेरे को सब्जी नहीं चाहिए, मेरे को बस रोटी चाहिए, सब्जी का जुगाड़ मैंने कर रखा है। वाह भाई इतनी सारी चटनी, ये तो मेरा हफ्ते भर का जुगाड़ है। अब तो मैं डिनर भी इसी के साथ करूंगा, सुबह का ब्रेकफास्ट भी इसी के साथ करूंगा। वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा। ऊपर वाले ये जो आग लगी है इससे मुझे बचा ले प्लीज, आज के बाद कभी मोमोज की चटनी नहीं खाऊंगा। भैया फ्री की चीज कभी ज्यादा मत खाना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री चीजें कई बार बहुत दुख देती है। भैया एक प्लेट पनीर मोमोज लगा दो। ओ भाई अकेले के लिए खाएगा, मुझे नहीं देगा, भाई नहीं है तू मेरा? हाँ भाई तू भी खा ले, लेकिन हाँ जब तू अपना खाए ना तो मुझे भी खिला दियो। अरे हाँ भाई। भाई एक प्लेट और करा ले, मन कर रहा है यार खाने का। भाई यार देख मेरा वॉलेट तो खाली हो गया, मेरे पास जितने पैसे थे ना मैंने तो उसके मोमोज ले लिए। एक काम करना, एक प्लेट मोमोज तू ले ले, मैंने तेरे को खिलाया तू भी मेरे को खिला दे। चल ठीक है भैया, एक प्लेट मेरे वाले लगाओ। दो मिनट भैया। अच्छा जी लगता है तू यहाँ पे रेगुलर कस्टमर है।
अबे ओए, तू कब से नॉनवेज खाने लग गया? ये नॉनवेज है और क्या। हे भगवान, राम राम राम, प्लीज मुझे माफ कर देना भगवान। अरे क्या हो गया, खा ले। अबे तू तो बहुत चालाक है, तुझे पता था ना मैं नॉनवेज नहीं खाता, इसलिए तूने जानबूझ के नॉनवेज लिए है ना। मेरे वेज वाले मोमोज तो खा लिए, और जब खुद के खिलाने की बारी आई तो नॉनवेज ले लिए। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ले, मैं तो कह रहा हूँ खाने के लिए, तू खा तो सही। ले खा। अब भाई तू ही खाए नॉनवेज, मैं नहीं खा रहा। अरे ले ले, मोमोज ही तो है। ले भाई, तेरा नॉन वेज मैंने एक तरफ कर दिया और अपना मैदा एक तरफ कर दिया, मुझे क्या, मुझे तो मैदे और चटनी से मतलब है। तू खा अपना नॉन वेज। अबे यार, मेरा पैतरा मेरे पे उल्टा पड़ गया। खाना जल्दी चल लियो यार, मेरे को जरूरी काम से जाना है। अरे यार, अभी मैंने खाना स्टार्ट भी नहीं किया और तुम्हें जाना है, चुपचाप खड़े रहो। और भैया आप मेरे लिए मोमोज लगाओ, पनीर वाले एक प्लेट। जी मैडम। तुम्हारे लिए भी लगवा दूं? नहीं, मेरे को नहीं खाने, तू खा। देख लो मैडम, भैया से एक बार और पूछ लो, अगर खाना तो एक प्लेट और लगा देता हूँ। अरे भैया भैया जाए बाहर में, आप मेरे लिए लगाओ। भैया एक प्लेट और दे दो। अरे बस कर, मेरी माँ और कितना खाएगी, मुझे काम भी करना है जाके। अरे यार काम काम काम, अगर काम था तो काम करके आना चाहिए था ना, अब तुम्हारे काम के चक्कर में अपने मोमोज छोड़ दूँ। इसके बाद एक प्लेट और खाएगी? अरे नहीं नहीं बेबी, इतना ज्यादा कहाँ खाती हूँ मैं, अब फिर मुझे अपनी डाइट का भी तो ख्याल रखना है ना। ए ऊपर वाले, कहाँ है तू? बेबी चलो ना बाहर मोमोज खाने चलते हैं। अरे बेबी अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, फिर कभी चलेंगे, अभी मेरे को अर्जेंट रिपोर्ट सबमिट करनी है। अच्छा, अब तुम्हारे लिए मेरे से ज्यादा तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट हो गया, मतलब मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा आ रहा हूं। भैया एक प्लेट ना मोमोज लगाना गर्मा गर्म पनीर वाले। बेबी मेरा हो गया। मेरा भी हो गया। क्या हो गया? जॉब खत्म, ऑफिस से निकाल दिया मेरे को, अर्जेंट रिपोर्ट सबमिट करके देनी थी लेकिन इस मोमोज के चक्कर में नहीं दे पाया, क्योंकि ये मोमोज ज्यादा अर्जेंट थे ना, तो इसीलिए इस मोमोज के चक्कर में मैं रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाया और ऑफिस वालों ने मेरे को जॉब से निकाल दिया। वाओ बेबी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब तो तुम पूरे टाइम ही फ्री रहोगे। अरे फ्री रहूंगा लेकिन करूंगा क्या, पैसे कहां से आएंगे, जॉब कहां से मिलेगी? अरे बेबी तुम टेंशन मत लो, मेरे पास ना एक आइडिया है। कैसा आइडिया है? चल मेरी डार्लिंग, वो जस्ट स्टार्ट। रे मोमोज ले लो, पनीर वाले, तंदूर वाले, गोभी वाले, गाजर वाले। बेबी देखा मेरा आइडिया, अब मुझे मोमोज खाने के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा, अब तो घर वाली बातचीत हो गई। अरे मोमोज मोमोज मोमोज, आओ आओ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हे गाइस, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और पूरी वीडियो में से कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट मेरे को बताओ। और गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो चैनल पे नया है वो तो जरूर कर दो सब्सक्राइब, और जो पुराने हो वो घंटा दबा दो। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और फटाफट से 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स करा दो, फिर 10 मिलियन पे आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक छोटा सरप्राइज आपके लिए, बहुत पसंद आएगा आपको, तो फटाफट से 10 मिलियन सब्सक्राइबर करवाओ। बाकी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो वीडियो को। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय गाइस, लव यू।